क्या? चुप। चले आगे हे गाइस, राधे राधे। आप लोग साथ है एक और नए ब्लॉग में। तो सुबह सुबह पानी जी देखो बैठ के जिम से आ चुके हैं, 8:30 हो रहे हैं भाई। और आते ही अपना लग गए खाने पीने में। हेलो, नहाए तो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी आप खाने पीने लगे, मतलब क्या दवाई है? ये देखो 80 साल पुराना केला। मैंने बोला खाने लायक नहीं है, बोले मीठा नहीं है लेकिन फायदा तो करेगा, दे दू। सेहतमंद व्यक्ति नाम है बेबो। और गाइस आज इसने बेड पे कर दिया सुसु। गाइस ये देखो यहाँ पे है, ये देखो गाइस, ये एक गीला कर रखा है जैसे सुसु नहीं है, पानी है। मैंने अभी डाला पर फिर भी गाइस बेबो को लुक बनाने के लिए सुसु है। और फिलहाल देखो सुबह के 9 बज रहे हैं, आज थोड़ा लेट उठे हैं। और मम्मी देखो बेबो ने सुसु कर दी। नहीं नहीं सही में सुसु कर दिया भाई। ये देखो ये गीला है, यहाँ पे गीला है ना, हाँ ऐसे कर सकती है। पापा का ब्रेकफास्ट आ चुका है, जमा दिया था ना सारा, जो है खराब हो गया। कोई ना, जो पूरा खरबूजा ही जल गया। ऐसे कारना में हम लोग करते रहते हैं, सिस्टम है हमारा। क्या 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 भैया, पापा डांट रहे हैं। बोल मारो पापा, डांटो पर। आज का भाई साहब, आज का गाइस ब्रेकफास्ट बन रहा है। इसमें ये क्या बना रही हो? पापा है घर पे, पता है? हाँ, पापा का क्या नाम है? पापा का नाम पता नहीं, आकाजू। आकाजू गाइस, ये देखो यहाँ पे आकाश बड़ा धरे था। पापा यहाँ पे देखो चाय बन रही है, उसका साथ ब्रेड भी है। ब्रेड तो बेबो का है, पापा तो खाएंगे वो पोहा। मेरे पे फोकस मत कर। हाँ फटिए पे फोकस करूँ तो भाई देखो मम्मी को बयान देता हूँ। यहाँ पे बेबो क्या कर रही है? उसके बाद भाई दाई अच्छा कर रही हूँ। ओके बेबो, बेबो तुम टीवी देख रही हो? गाय बहुत दिन में टीवी देखते, टीवी देखते। पापा तो उसको मैं काम कर रहा है मौसा पर। मम्मी तो मस्त खाने में ला रही, जल्दी जल्दी बनाया पोहा बना रही है। पोहा पापा का, पोहा पापा का पोहा। सुंदरता है थोड़ी सी, क्या है हल्दी हल्दी सॉरी। उसके बाद इसमें ऐड कर देते हैं पोहा। आपकी रेसिपी कौन देख रहा है? ओए पापा मेरे लिए चाय, और यहाँ पे देखो ब्रेड नहीं है, पापा के लिए चाय आ गई है। यहाँ पे पापा के लिए ब्रेड है, और यहाँ पे पोहा भी बन चुका है। पापा को भाई साहब यहाँ पे सर्व भी कर दिया है। तो अपना ब्रेकफास्ट यहाँ पे देखो, बेबो का चाय ब्रेड और नमकीन, और पापा खा रहे पोहा। पापा कैसा है? अरे क्या बात है, कैसा है पापा? बहुत बढ़िया। बोलती रहती रे पगली भाई, देखो कितना फैला है, रायता फैला है, रायता रायता है। हाँ। का रायता पोहा मस्त एकदम गर्मा गर्म है। ब्रेड किसका गरम है? गाइस जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो पिछवाड़े में यही चले आगे। दीदी का सर का ऑपरेशन होगा पापा। गाइस नहीं नहीं खाए को मम्मी ने पापा को भी फरमाएंगे। नहीं सर को लगा पर लाइट पूरा क्यों नहीं जलाया भाई? दीदी आपको पता है पापा का दिमाग ठीक है तुम्हारा? अभी आप मत मांगना। हेलो, मांगूंगी नहीं। दिमाग ठीक है? दिमाग ठीक है? वही तो हिल गया, दिमाग ठीक है? पहले ठीक नहीं था। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता है ना, दिमाग से निकला तो नहीं? हिंदी पढ़ा रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। चलो हम उर्दू पढ़ा रहे हो तो हम चले फिर गाइस बाय। तो गाइस मैं और पाड़े जी अकेले निकले आज घर से भाई। आज भैया और बेबो पढ़ रहे ट्यूशन घर पे, क्योंकि ट्यूशन वाली दीदी आई है। तो आज मुझे अकेले लेके चले हो सर जी। आज अपनी बेबी को अकेले लेके जा रहे हो, कैसा लग रहा है? तो किसकी बेबी लेके जा रहे फिलहाल हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, चलो चलते हैं। ये है कुछ बिल्डिंग इस तरह से। तो गए हम आ गए ऑफिस में अंदर, जहाँ से मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था। मैंने सोचा हो सकता है अलाउड ना हो, तो यहाँ पाड़े जी आके अपनी कॉफी इंजॉय कर रहे हैं। और ये हैं भैया, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जतिन।
जतिन भैया हैं जो दिखा रहे हैं, पूरा विजिट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे पड़े जी आएंगे लंच करने सबसे ऊपर, और यहाँ से नज़ारे कुछ ऐसे दिखेंगे। चलते हैं नीचे थर्ड फ्लोर पे। कैफेटेरिया है। अच्छा, ये कैफेटेरिया है इनका। फोर्थ फ्लोर था, ये है थर्ड फ्लोर। कुछ तो गाइस अभी हम ऑफिस देख लिए, अब हम आ गए बाहर। चलते हैं अपने घर की तरफ और बताते हैं घर चलेंगे, कहाँ चलेंगे, बाकी का सिचुएशन बताएंगे। ये देख तो गाइस अभी हम ऑफिस देख के और आप जा रहे हैं घर की ओर, क्योंकि भैया मैं घर पे अकेले और भैया ऑफिस तो देख लिए। मेरे को तो पसंद आया, बड़े जी को भी पसंद है, लेकिन एक दो जगह हमेशा देखना चाहिए, कई जगह अच्छे से देख के सोच विचार के तब कोई काम करना चाहिए। तो फिलहाल यही है, बाकी अब चल रहे हैं घर की ओर। तो भाई अभी बज चुके हैं 8, तो भाई घर चल के खाना पीने का भी जुगाड़ करना है। पाड़े जी तो खाली खाली ले चल रहे हैं। गाइस कुछ इस तरह से है पाड़े जी का फिटनेस जिम। यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा, फोकस नहीं मार रहा। गाइस ये देखो भाई, लग्जेरियस जिम, लग्जेरियस ऑफिस, लग्जेरियस पाड़े जी, लग्जेरियस पाड़े जी का मतलब हर काम एकदम से सुपर मेंटेन। हेलो सर। तो गाइस फिलहाल हम पहुँच गए घर बहुत। तो गाइस घर आके और पाड़े जी ने अपना डिनर भी कर लिया, रोटी सब्जी, जो कि मैंने दिखाया ही नहीं। मैं मेरे सर में दर्द होने लगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई। और भैया वो घर पे ही हैं, हम लोग निकल चुके हैं, जा रहे हैं मार्केट कुछ फल लाने। पाड़े जी का DIP रेडी करने जा रहे हैं गाइस। तो गाइस अब आ गए फल की दुकान पे फल लेने। तो गाइस आज इतना सारा आम ले लिया पाड़े जी को, अब तो तुम्हारा भर जाएगा ये ना आम से। गाइस फल वल ले लिया, चलते हैं घर की ओर। बहुत ऐसे गर्मी लग रही है गाइस, इस वाली गाड़ी में जो काफी जहर जहर शायरी लिखी है, एकदम जूम करके फल लेना आप लोग, एकदम कभी दिल खुश हो गया है। ये देख लो, क्योंकि 91 के फूल, 69 की माला, बुरी नजर वाले तेरा मुँह काला, बेसुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, जान दूसरों का छीन कर हम पिया नहीं करते। तुमको आगे निकलना है तो निकल जाओ, हम भी किसी का पीछा नहीं किया करते। नई नई दुकान पे ट्राई करते हैं गाइस कुछ। तो गाइस यहाँ नई नई दुकान में नई नई बहुत सारी मिठाइयाँ भी हैं। तो पाड़े जी ले रहे हैं, क्या ले रहे हो सर जी? भैया दुकान, भैया वाला तुम्हारी किराने की दुकान थी ना बगल में, बंद कर दिया उसको? हाँ भाई, तो केक वगैरह भी है, बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास पेस्ट्री भी है। देखो रहा। तो गई यहाँ सैंडविच और थोड़ी मिठाई ले लिया, आप चलते हैं घर की ओर। तो यहाँ अपनी खड़ी है स्कूटी और यहाँ खड़े हैं पांडे जी। और भाई भगवान तो बिल्कुल आधी तूफान मौसम देख रहे हो, बिल्कुल हो गया गंदा सा, एकदम इधर सताओ मत, आने जाने जगह नहीं रहती बीच से। उठा लड़के जाके थाला वाला। तो भाई आ गए घर, मतलब पहुँच गए घर। ये देखो भाई कैसा टेस्ट है भैया, मजेदार। बच्चों के भाई साहब शिरात के भाई 11:15 हो चुके हैं जैसे आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे भाई पिटाई। तो गए देखो, फिलहाल सोने का टाइम आ चुका है। फिलहाल वीडियो मैंने एडिट कर लिया, अब इस व्लॉग पे खत्म करते हैं। गाइस की वाली वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी, आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल मत जाना गाइस। और गाइस एक बंदे ने हमको चैलेंज दिया तो वो जल्दी कंप्लीट होगा, ये मोहम्मद रहील ऐसा ये नाम था। तो अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो चैलेंज जल्दी कंप्लीट करेंगे हम लोग गाइस, तो पिछले वीडियोज में जाकर देख लो, अगर आपको कमेंट मिलता है तो पढ़ लो। फिलहाल गाइस कल के व्लॉग में हम उस चैलेंज को कंप्लीट करेंगे गाइस, देखते कौन हारते कौन जीता। फिलहाल इस व्लॉग में खत्म करता हूं गाइस, कल के व्लॉग में मिलता हूं, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।